महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों से अपील की है कि वे प्रौद्योगिकी का अध्ययन करते हुए राष्ट्रीय विकास, मानवता और वैकल्पिक रूप से सार्वभौमिक कल्याण के मंत्र को बनाए रखें। इंजीनियर दिवस के अवसर पर सीओईपी एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा आयोजित सीओईपी अभिमन पुरस्कार वितरण समारोह में राज्यपाल श्री कोश्यारी बोल रहे थे। सीओईपी के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध इंजीनियर भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया के साथ हमारे क्षेत्र की शीर्ष हस्तियां हुई। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जो काम किया है उसे छात्रों के सामने रखा जाना चाहिए। जैसे जैसे हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं हमें उसी के माध्यम से देश के लिए काम करना चाहिए। आज जब हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो पूरी दुनिया उम्मीद की नजर से भारत की ओर देख रही है। राज्यपाल ने सामाजिक जिम्मेदारी को बनाए रखते हुए संस्थान के लिए और छात्रों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की भूमिका निभाने के लिए सीओईपी के पूर्व छात्र संघ की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि पूर्व छात्र भविष्य में संस्थान के विकास में योगदान देंगे। इस अवसर पर सीओईपी एलुमनी एसोसिएशन के स्मृति चिन्ह जारी किए गए, साथ ही संस्थान के इतिहास और घटनाओं पर आधारित एक फिल्म का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व छात्र, प्राध्यापक, विभिन्न संकायों के प्रमुख और छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।